अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ज़रात में बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक बयान करें। ज़रात में बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक यानी एप्लीकेशंस, इसके सिलसिले में क्या किया है कि साइंसदानों ने जड़ी बूटियों और कीड़े मकोड़ों के खिलाफ मज़ाहमती मादे पैदा करने वाली जीन्स जो हैं वो फाइंड आउट की हैं। अब ये जीन्स जो हैं वो पौधों में एंटर करवाई जा रही हैं, दाखिल करवाई जा रही हैं, और पौधों को क्या कर दिया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे पैदा किए जा रहे हैं। कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों को, इसको हम जीएम, कैपिटल जीएम प्लांट्स भी कहते हैं। कैपिटल जीएम प्लांट्स अपने अंदर जड़ी बूटियों और कीड़े मकोड़ों के खात्मे वाली प्रोटीन्स जो हैं वो पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से वो जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, जड़ी बूटियां हैं या फिर कीड़े मकोड़े हैं और जितने भी हशरात हैं उनको वो किल कर देते हैं जब उनके वो पास आते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिससे फसलों की पैदावार जो है वो बेहतर हो गई है, और ये ऐसे पौधे हैं जो कि इंसानों के लिए नुकसानदेह भी नहीं हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें कौन कौन सी हैं जो प्रोड्यूस हुई हैं, इनमें मकई, चावल, आलू, सोयाबीन और कपास जैसी फसलें जो हैं ये जेनेटिकली इनको मॉडिफाई किया गया है। इसके अलावा माहरीन ने ऐसी जीन्स भी तलाश कर ली हैं जिसकी वजह से खुश्की और मिट्टी में नमकियात की ज्यादती के मसाइल को भी हल जो है वो सामना, जिनको मसाइल का सामना था वो भी जो है वो सॉल्व हो गया है इनका। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।